इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर मस्के साहब, सुभाष चंद्र जी तथा साथियों, विषय आपके समक्ष है शिक्षा शुल्क में वृद्धि, ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाए रखने की साजिश। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था की फैक्ट्री है और जिस फैक्ट्री से तमाम जातियों की उत्पत्ति होती है और आर्य ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को किसी भी दशा में ध्वस्त होने नहीं देना चाहते क्योंकि उससे उनका वर्चस्व कायम है। एक धार्मिक धारणा है ब्राह्मणवाद की, लिखना लिखी ललाट में छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव निशंक। ब्रह्मा ने छठी की रात जब बच्चा पैदा होता है उसके छठवें दिन, छठी के रात ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसमें न राई भर घट सकता है न बढ़ सकता है, न घट सकता है न बढ़ सकता है। इसलिए ऐ मानव, तुम कोई शंका मत करो, कोई डाउट न करो, क्योंकि इसको ब्रह्मा ने छठी के रात लिखा है। आपकी तकदीर ब्राह्मण धर्म में छठी के रात लिखी जाती है और जो लिख दिया ब्रह्मा ने वो कभी घटना हो घट और बढ़ नहीं सकती। वो कौन सी चीज है जो घट बढ़ नहीं सकती है, इसका आकलन हमें और आपको करना है। हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जो 6000 जातियों में बटा हुआ है, वो जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जाति उसके साथ बंध जाती है। वो जाति को जन्म लेता है जाति में और जाति को ही जीता है और अंत में जाति को ही, अंत में जाति के साथ ही मर जाता है। लेकिन जाति नहीं मरती, वो मर जाता है, जाति नहीं मरती। ये व्यवस्था कई हजारों साल से चल रही है और इस व्यवस्था को चलाने में आर्य ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा जो हथियार अडॉप्ट किया वो हथियार था शिक्षा से वंचना। स्त्री शूद्रो विद्या न अधीयताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या मत दो, यह आर्य ब्राह्मणों का धर्मादेश है, उनके पुरखे मनु का धर्मादेश है। शूद्राय मति न ददानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो। ऐसा आर्य ब्राह्मणों के वंशज, शासक जातियों के वंशज, आर्य ब्राह्मणों के पुरखे ऐसा धर्मादेश जारी करते हैं। लेकिन आज उनके वंशज, शासक जातियां इस लोकतांत्रिक भारत में इस ऐलान के साथ जो उनके पुरखों ने कहा है लागू नहीं कर सकते।
इसलिए उन्होंने इस लोकतांत्रिक भारत में अपनी नीति और रणनीति में परिवर्तन किया। शिक्षा हम ग्रहण करेंगे तो विवेक बुद्धि का विकास होगा, और हायर एजुकेशन अगर लेंगे तो हायर एजुकेशन से हम गलत और सही का आकलन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पैतरा बदला, और आप प्रायः सुनते होंगे वो हमेशा कुछ स्लोगन्स समाज में चलाते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ गोलमाल होता है, और कहते हैं वो अपने पुरखों की बात। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये चेतावनी है आर्य ब्राह्मणों के वंशजों के लिए, इनके संत और महात्मा मंदिरों से फतवा जारी करते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कौन हंस? आर्य ब्राह्मण, होश में हो जाओ, लोकतंत्र आ गया है। अगर जल्दी से जल्दी नहीं चेते तो ये कौवे इस देश के मूल निवासी ये काले लोग हंस की भूमिका में होंगे, और तुम को दाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो उस स्लोगन को अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्होंने देखा कि शिक्षा के माध्यम से ही जब लोकतंत्र की भारत में स्थापना हुई, भारतीय संविधान के माध्यम से, तो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने शिक्षा की तरफ उनका झुकाव हुआ और शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको शासन प्रशासन में भागीदारी मिली। यह शिक्षा का प्रतिफल है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया लोकतंत्र में कि शिक्षा का बाजारीकरण कर दो, बाजार बना दो, जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आज साथियों बड़ी भारी समस्या देश में खड़ी हुई है, किसके पास पैसा है? हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के कुछ लोग जो सर्विसेज में आए, वो एनकेन प्रकार किसी तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को पैसे के माध्यम से। इसके बावजूद भी तमाम षड्यंत्र इस देश में चल रहे हैं जिससे वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलने वाला है। इसलिए दुश्मन बहुत अलर्ट हो गया है कि अगर अभी नहीं चेते तो स्थिति यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो सकता है। इसलिए इनको शिक्षा से वंचित कर दो, और जब तक इनको शिक्षा से वंचित नहीं करोगे तब तक ब्राह्मणी वर्चस्व इस देश में स्थापित नहीं हो सकता। आज फीस वृद्धि का मामला है,
एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन कि हमारा आम मूल्यवासी बहुजन समाज अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकता। उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ उनके बच्चों को भोजन की व्यवस्था, ये सारी साजिश को हमारे डेलीगेट साथियों को समझना होगा और पूरे देश में इनकी साजिश को, इनकी बदमाशी को नंगा करना पड़ेगा कि जिन सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ये हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उनको पास भी करना बहुत जरूरी है उनके लिए, वो चाहे पढ़ें या न पढ़ें। तो इस तरीके से षड्यंत्र हो रहा है। फीस वृद्धि होगी तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे गलत और सही का निर्णय नहीं ले सकते और जब वो गलत सही का निर्णय नहीं लेंगे तो वो अपने आप में भेड़ और बकरी बन जाएंगे और ये आर्य ब्राह्मण उसमें हमें हाकेगा, जैसे चाहेगा वैसे न चाहेगा। और वर्ण व्यवस्था की पुनः पुनः पुनर्स्थापना होगी कि ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम देश की सुरक्षा या नाटक, ये नौटंकी होगी और शूद्र को जो अधिकार वंचना है वो अधिकार वंचना शुरू हो जाएगी और हम पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। और ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? आज हमारे पास हमारे पुरखों को दी हुई जागृति है, आज पुरखों का दिया हुआ समृद्ध साहित्य है, पुरखों का दिया हुआ दी हुई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमें आज सीना तानने का मौका मिला। किंतु साथियों, डेलीगेट साथियों, यदि आपने इनकी इस रणनीति को जो मूलनिवासी बहुजन समाज के खिलाफ ये चला रहे हैं इसका भंडाफोड़ पूरे देश में नहीं किया तो आप, वह दिन दूर नहीं जब ये वर्ण व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित करने में ये सक्षम हो जाएंगे और लागू कर देंगे। बस इतना कहते हुए मैं अपना प्रस्ताविक भाषण यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।